अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाजिर हुआ हूं इम्पेज सीरीज़ का सबक नंबर 36 के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पेज में फंक्शन की का शॉर्टकट इस्तेमाल, यानी फंक्शन की का इम्पेज में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल हम तफसील से बात करेंगे और हर एक फंक्शन की को हम इसमें इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जितने भी शॉर्टकट की है जो आम तौर से इस्तेमाल किया जाता है, जो इम्पेज यूज़र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो यहाँ पे लिस्ट में मौजूद है। जैसा कि मैं सबक नंबर 35 में बात किया था शॉर्टकट की का, उसमें 6 शॉर्टकट की के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, जो शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया गया था कि शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करने का उसका क्या फ़ायदा होता है। अब फिर उन्हीं में से ये 6 शॉर्टकट की है जिसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करके इसमें दिखाएंगे। जैसा कि मैं सबक नंबर 35 में बताया था, शिफ्ट प्लस होम का इस्तेमाल करने से कर्जर जहाँ पे हमारा रहता है वहाँ से लाइन के आखिर तक सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसमें कंट्रोल को भी जोड़ देते हैं तब जहाँ पे हमारा कर्जर रहता है वहाँ से फाइल के शुरू तक सिलेक्ट किया जाता है। जैसा कि शिफ्ट और होम के साथ, जैसे हमारे कर्जर यहाँ मौजूद है, शिफ्ट और होम बटन का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए लाइन के आखिर तक, यानी यहाँ जहाँ से हमारा लाइन शुरू हो रहा है वहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और होम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से लेकर के आखिर तक हमारा सिलेक्ट होता है, यानी फाइल के शुरू तक। जैसा कि कर्सर हमारा यहाँ मौजूद है, कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन के इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से हमारा यहाँ तक, यानी फाइल के शुरू तक हमारा सिलेक्ट हो रहा है। और शिफ्ट इन के जरिए से जहाँ हमारा कर्सर मौजूद रहता है वहाँ से लाइन के आखिर तक सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जब उसी में हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ कर्सर मौजूद रहता है वहाँ से लेकर के फाइल के आखिर तक सिलेक्ट होता है। जैसा कि अभी हमारा कर्सर यहाँ मौजूद है तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट और इन बटन दबाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल आखिर तक सिलेक्ट हो रहा है, जहाँ हमारा लास्ट पैराग्राफ है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट अप एरो। शिफ्ट और अप एरो के जरिए से जहाँ हमारा कर्सर मौजूद रहता है वहाँ से एक लाइन ऊपर तक सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन जब हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं इसमें तो कर्सर के पास से वो पूरा पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट होता है। जैसा कि कर्सर हमारा यहाँ मौजूद है तो शिफ्ट और अप एरो के जरिए से हम एक लाइन ऊपर तक सिलेक्ट करते थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और अप एरो के जरिए से पूरा पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट होता है। जैसा कि ये देखिए, ये हमारा एक पैराग्राफ की मानिंद है। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे हमारा पैराग्राफ मौजूद है यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा अभी कर्सर है, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ एक बार में सिलेक्ट होगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसी तरह जहाँ हमारा कर्सर मौजूद रहता है वहाँ से आखिर पैराग्राफ तक सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के जरिए से, जैसे शिफ्ट और राइट एरो के जरिए से सिर्फ एक एक हर्फ हमारा सिलेक्ट होता था, जब हम कंट्रोल का भी उसमें इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, ये पूरा पूरा हमारा एक एक लफ्ज सिलेक्ट होता है। और शिफ्ट और राइट एरो के जरिए से सिर्फ एक एक हर्फ सिलेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए के लिए पूरा सिलेक्ट हो रहा, तो ये एक हर्फ है। इम्पेज की जबान में अगर कई हरूफ एक में मिले हुए हों वो एक ही हरूफ कहा जाता है, वो अलग अलग नहीं कहा जाता। जिस तरीके से के लिए है, ने है, ये एक हरूफ है। और जब हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक लफ्ज, जैसे करने, ये पूरा एक लफ्ज है तो ये एक बार में हमारा पूरा सिलेक्ट होता है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो के जरिए से जहाँ हमारा कर्सर रहता है उसके बाद एक एक लफ्ज सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू हो रहा फंक्शन की। जैसा कि कंट्रोल F7 का इस्तेमाल करते हैं किसी भी हरूफ को सिलेक्ट करके ऊपर करने के लिए, जिस तरीके से हम किसी पैराग्राफ वगैरह में हाशिया लगाते हैं तो वहाँ उसका नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। जैसा कि यह हमारा हाशिया नंबर है तो सबसे फर्स्ट इसको हम सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, जैसे कि हाशिए के लिए फॉन्ट साइज 12 का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंट्रोल F7 का हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए कंट्रोल F7 हम दबा रहे हैं तो ये हमारा नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद है कंट्रोल F8, ये किसी भी हरूफ को सिलेक्ट करके नीचे करने के लिए, जैसा कि
इसको ऊपर करने के लिए हम कंट्रोल F7 का इस्तेमाल किया है, अब इसको नीचे करने के लिए हम कंट्रोल F8 का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम कंट्रोल F8 दबाते हैं तो यही हरूफ हमारा अब नीचे की जानिब जा रहा है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट F7, ये कंट्रोल F7 सिर्फ था तो हरूफ को ऊपर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F7 का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तहरीर को फैलाने के लिए। तो हम सिलेक्ट करके अब इसको और हम फैलाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और F7 दबाते हैं, ये देखिए हमारी तहरीर फैल रही है। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट F8 का इस्तेमाल तहरीर को सुकेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हमको फिर सुकेड़ना है तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट F8 दबाएंगे तो ये देखिए फिर से हमारा ये हरूफ सुकड़ गया है। उसके बाद है कंट्रोल F6, कंट्रोल प्लस F6 का इस्तेमाल किया जाता है हरूफ के दरमियान का फासला कम करने के लिए। जैसा कि ये दो हरूफ हमारे पास कम और करने, ये दोनों के बीच का जो फासला है इसको कम करने के लिए कंट्रोल F6 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल और F6 दबाते हैं तो ये देखिए हमारा हरूफ के दरमियान का फासला कम हो रहा है। और कंट्रोल F5 के जरिए से हम हरूफ के दरमियान का फासला बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अब कंट्रोल F5 दबाते हैं तो ये देखिए हमारा फासला बढ़ता जा रहा है। इसका इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादातर किया जाता है जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, कोई किताब वगैरह कंपोज करते हैं, उसकी सेटिंग के लिए कोई एक हरूफ या दो हरूफ हमारा पैराग्राफ से दूसरे लाइन में आ जाता है जिससे पूरा लाइन ख़राब होता है, तो उस वक्त हम हरूफ के दरमियान का फासला कम करके उसको सेटअप करते हैं ताकि वो पूरा हमारा लाइन बच जाता है, तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा कंट्रोल शिफ्ट F6, ये हरूफ के दरमियान का फासला कम करने के लिए कंट्रोल F6 और लाइन के दरमियान का फासला कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर F6 का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देखिए ये पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है, एक लाइन हमारा दूसरे पैराग्राफ में पहुंच गया है, तो अब जैसे हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाएंगे तो ये लाइन के दरमियान का ये बीच का जो फासला है ये हमारा कम हो जाएगा और जो एक लाइन हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है यहाँ पे इतनी जगह खाली है इसमें आकर के वो सेट हो जाएगा। जैसा कि हम कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाते हैं तो ये देखिए जैसे हमारे ये दो लाइन का फासला कम हुआ तीसरा लाइन यहाँ पे आ गया है। अब देखिए और भी फासला कम हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना फासला कम हो गया। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट F5 के जरिए से हम लाइन के दरमियान का फासला बढ़ा सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम लाइन के दरमियान का फासला बढ़ा रहे हैं तो जो लाइन हमारा नीचे एक्स्ट्रा था वो हमारा दूसरी तरफ पहुंच गया, ये देखिए लाइन के दरमियान का फासला बढ़ गया है। उसके बाद है कंट्रोल F4, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल को बंद करने के लिए। हमारे पास जैसा कि अभी ये हमारे पास फाइल मौजूद है, एक और फाइल हम खोल लेते हैं यहाँ से, तो अब ये फाइल को हमें बंद करना है तो कंट्रोल F4 दबाएंगे तो ये फाइल हमारा बंद हो जाएगा। ये देखिए पहले वाला फाइल हमारा बंद हो गया और ये जिस पे हम अभी इस्तेमाल करके दिखा रहे थे वो फाइल हमारे सामने आ गया है। तो कंट्रोल F4 का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को बंद करने के लिए और Alt F4 का इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए। जैसे अभी हम Alt F4 दबाएंगे तो ये पूरा हमारा एमपेज जो एप्लीकेशन ये प्रोग्राम है ये हमारा पूरा बंद हो जाएगा। ये दोनों में फर्क याद रखिए, कंट्रोल F4 फाइल को बंद करने के लिए, Alt F4 ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल F10, कंट्रोल F10 का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ आकर के फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ आकर के रिबन बार में आकर के फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करते हैं, तो डायरेक्ट आप कीबोर्ड के जरिए से कंट्रोल F10 के जरिए से भी फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जैसा कि देखिए हम सिलेक्ट कर लिए हैं, अब कंट्रोल और F10 दबाते हैं तो ये देखिए हमारा फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाहिर हो रहा है पहले 18 था अब 25 हो गया है। कंट्रोल F9 के जरिए से फॉन्ट साइज कम किया जाता है, जैसे 10 से बढ़ाया जाता है और 9 से कम किया जाता है, ये देखिए फिर से हम इसको 18 कर देते हैं, देखिए फॉन्ट साइज हमारा फिर से 18 हो गया है। तो कंट्रोल F10 फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, कंट्रोल F9 फॉन्ट साइज छोटा करने के लिए। F12 का इस्तेमाल किया जाता है रिबन बार में कर्सर ले जाने के लिए। जैसे हम F12 दबाएंगे ये कर्सर हमारा रिबन बार में पहुंच जाएगा, जैसा देखिए कर्सर हमारा इसमें आ गया है। अब हमको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे हमें फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना है या इसमें हमको फॉन्ट वाले में कर्सर लाना है या फॉन्ट साइज वाले में कर्सर लाना है तो हम टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम टैब बटन दबाते जाएंगे ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा। जब हमको अगर इसमें फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो उस वक्त हम, जैसा कि अभी हम इसमें नूरी नस्तालिक में है, इसको
रेड अरबिक बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाएंगे। ये देखिए हमारा टी से जो फॉन्ट शुरू हो रहा है वो आ जाएगा। फिर से दोबारा हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो की दबाएंगे तो ये देखिए हमारा ट्रेड अरबिक बोल्ड यहाँ पे आ गया है। यहाँ से हम फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ट्रेड अरबिक बोल्ड हमारा खुल गया, इंटर कर देंगे, ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से फॉन्ट साइज चेंज करना हो फिर हम F12 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा कर्सर पहुँच गया। अब टैब बटन का इस्तेमाल करके हम फॉन्ट साइज में आ गए हैं और यहाँ से जितना भी फॉन्ट साइज देना चाहे हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से हम 20 कर देते हैं और इंटर कर देंगे, फॉन्ट साइज हमारा सेटअप हो जाएगा। ये फॉन्ट साइज हमारा देखिए 20 हो गया है। उसके बाद है कंट्रोल F12। रिबन बार में कर्सर ले जाने के लिए F12 का सिंगल इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ ये पेज व्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप पेज व्यू, ये पेज हमारा 100% पे खुला हुआ है। इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं और कीबोर्ड के जरिए से यहाँ पे हमें कर्सर लाना हो तो कंट्रोल F12 दबाएंगे। ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कर्सर आ गया है। अब यहाँ से हम जितना साइज डालना चाहें पेज व्यू के लिए उतना डाल सकते हैं। जैसा कि अभी 100% है, इसको हम 80% करना चाहते हैं तो 80 करके हम इंटर कर दिए। देखिए पेज व्यू 80% पे आ गया है। फिर हम कंट्रोल F12 दबाएंगे और 100 कर देंगे, इंटर कर देंगे, ये फिर अपनी शक्ल पे आ जाएगा, यानी 100% पे आ गया है। उसके बाद है Alt F12। Alt F12 का इस्तेमाल किया जाता है पेज स्क्रॉल के लिए। ये जहाँ पे आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है ये पेज स्क्रॉल कहलाता है। यहाँ पे हमें कीबोर्ड के जरिए से कर्सर लाना हो तो Alt F12 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम Alt F12 दबाएंगे, ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम पेज के जिस हिस्से पे जाना चाहे, जो भी नंबर डालना चाहे, जैसे हमारे पास 10 पेज है, 20 पेज है, जिस पेज पे जाना चाहे वो पेज नंबर डाल के हम इंटर करेंगे, उस पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैं सबक नंबर 35 में बताया था, फंक्शन की कीबोर्ड की सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। तो इसमें आप देखें कि फंक्शन की का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है, कितने आसानी के साथ हर चीज़ को आप कीबोर्ड के जरिए से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।